नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। बिहार में कोरोना वायरस के मामले अब तेजी से सामने निकलकर आने लगे हैं। कल सिर्फ एक दिन में 17 नए मरीज मिले हैं, जिसमें से 16 एक ही परिवार के हैं। सभी केसेस नालंदा से निकल के आए। अब नालंदा में संक्रमित मरीजों की संख्या 28 हो चुकी है। ऐसे में जब सत्ता पक्ष ये दावे कर रहा है कि अब राहत केंद्रों की जो संख्या है वो बढ़ाई जाएगी, इस पर जनाधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर क्यों बिहार के मुख्यमंत्री अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, किस चीज़ का उन्हें डर है, क्यों आखिर वो जनता के बीच नहीं जा रहे हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो योगी आदित्यनाथ भी जनता के बीच में जा रहे हैं, खुद सभी जगह जा रहे हैं। इस आपदा के समय में जब उनके पिता का निधन हो गया है, उस वक्त भी वह राजधर्म को ही अपना कर्म मान रहे हैं, तब फिर नीतीश कुमार कैसे मुख्यमंत्री हैं जो नज़र ही नहीं आ रहे हैं। ये सवाल खड़ा कर रहे हैं जनाधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव, क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुनिए। एक मुख्यमंत्री के बारे में कभी सुना कि वो कैद हो जाए घर में, अपनी जिम्मेदारी से भागे, वो अपने ही प्रदेश की जनता को बोझ समझे? अपनी गलतियों को छुपाने के लिए सारा अपना पाप सत्ता पक्ष और विपक्ष जनता पर थोप दे? आज से वो चालू करेंगे लोगों का खाना। आज तक क्या खाए होंगे? 5 केजी, जबकि इनके पीडीएक्स में फरवरी का अनाज नहीं मिला। सोचिएगा, ममता बनर्जी सड़कों पर उतर गई पीडीएक्स के चलते, हेमंत सोरेन जी लगातार सड़कों पर, इवन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी लगातार, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और पंजाब के मुख्यमंत्री लोगों के बीच। इस देश में बिहार का ही एक सरकार होगा और विपक्ष होगा जो जनता के बीच से नदारद, हमाम में सब नंगे, हर डाल पर उल्लू बैठा, ये एक एक हर डाल पर ये उल्लू बैठे हैं नेता लोग। इसको समझने और इससे बचने की जरूरत कि जो लोग इस दुख के घड़ी में, इस परिस्थिति में गरीबों के साथ, मजदूरों के साथ, किसानों के साथ ना हो, सिर्फ चलाकी और चतुराई करे, दुष्टई करे, जिन लोगों ने गड्ढा खुना, खाई खूनी दोनों मिलकर, वही ट्वीट करते हो, ऐसे लोगों से सावधान होने की जरूरत है और ऐसे लोगों के खिलाफ जंग की जरूरत है। बिहार के किसानों से, युवाओं से और मजदूरों से हम अपील करते हैं, जो इस मुसीबत और संकट में हमें मरने पर विवश कर दिया, हमें छोड़ दिया खुद के भरोसे जीने पर, इस सत्ता पक्ष और विपक्ष को औकात बतानी है। तो आपने सुना, साफ साफ पूछ रहे हैं कि एक अने मार्ग यानी कि मुख्यमंत्री के सरकारी आवास में ऐसी कौन सी खूबियां हैं कि वो वहां से निकल ही रहे हैं, वहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, क्या वहीं से बैठे बैठे जनता पर क्या आपदा आई हुई है, जनता की क्या हालात है, क्या वो वहीं से देख पाएंगे? जब तक वो सड़कों पर नहीं निकलेंगे, जब तक वो जनता के बीच नहीं जाएंगे, कैसे उन्हें एहसास होगा कि दिक्कत है क्या? आप कागज पर ऑर्डर निकाल देते हैं, लेकिन जनता तक क्या वो पहुंच पा रहा है? आखिर अगर पहुंच पा रहा है तो फिर इतने शिकायतें, इतने समाचार के जरिए लोग क्यों सोशल मीडिया हो या फिर अन्य जगह पर अपनी बातों को लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि हम काफ़ी दिक्कत में हैं, इतने परेशानियों में हैं, क्यों बार बार मदद करने की जरूरत पड़ रही है आम लोगों को, यदि सरकार पूरी तरह से सजग है? ऐसे में सवाल निशान खड़े किए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी और विपक्ष पर भी। जनाधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव क्या कुछ कहते हैं, आपने सुन लिया है। देखने वाली बात यह है कि बिहार में अब संख्या 113 हो चुकी है, हालांकि ठीक होने वाले मरीजों की भी संख्या 42 है। ऐसे में अब लोगों को और सतर्क होना पड़ेगा और सावधान होना पड़ेगा, जागरूकता फैलानी पड़ेगी और लोगों में, और जो अफवाह न्यूज़ है, जो अफवाह फैल रहा है, उससे बचना पड़ेगा। लाइव सीरीज देखते रहें, हम हर खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।